सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हजारिया टाइम्स को अपने जिले की हर एक खबर से अपडेट रहने के लिए। गौपुत्र सेना बार के नेतृत्व में श्रीमान मंडलायुक्त महोदय झांसी उत्तर प्रदेश को प्रार्थना पत्र देकर कस्बा बार में अस्थायी गौशाला में अव्यवस्थाओं के संबंध और गौवंशों की दुर्दशा के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया है कि कस्बा बार में अस्थायी गौशाला चकित है। उक्त गौशाला में ग्राम पंचायत सचिव के कथनानुसार 302 गौवंश हैं, लेकिन वास्तविकता में वहां पर 100 गौएं से भी कम गौएं हैं। गौशाला में अव्यवस्थाओं के चलते दिनांक 7 जून को गौपुत्र सेना ने वहां की अव्यवस्थाओं को देखने गए थे तो गौवंश के कंकाल चारों ओर पड़े हुए थे और वहां पानी की होदी में कई जमी हुई थी। चारे एवं भूसा के नाम पर दुकान में थोड़ा सा भूसा पड़ा हुआ था तो गौपुत्र सेना बार ने इस पर आपत्ति जताई। रात्रि में जेसीबी बुलाकर गौ के कंकालों को हटाया गया। वहां से कंकालों को गड्ढे में डालकर समतल करवाकर पर लीपापोती करने का प्रयास किया गया और सात जून से ही आज दिनांक तक आसपास के क्षेत्र से अन्य गौवंश लाकर गौशाला में गौओं की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको देखते हुए गौपुत्र सेना ने जांच कराकर उचित कार्यवाही की मांग की है। गौपुत्र सेना अध्यक्ष पंकज यादव, शिवम रिछारिया, आशीष रिछारिया, सुनील दशहरा, सुमित पुरोहित, रौनक रावत, अंकुल पांडे, संजीव यादव के साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे।